आपने धर्म बदल लिया क्या? कौन सा धर्म बदल लिया जी? चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज चर्च की असलियत प्रोग्राम में हमारे साथ हैं भागीरथ जी। सो भागीरथ जी, आपका स्वागत है हमारे बीच में आने के लिए। तो आप थोड़ा सा मुझे इस प्रोग्राम में यह बताएं कि प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले कैसे हालात थे आपके, आप क्यों चर्च में आए, क्यों प्रभु को मानने लगे, क्या कैसा क्या था? परमेश्वर में आने से पहले जी मेरे गोडिया दे विच दर्द रहिंदा सी। हाँ, कोई नहीं, बैठ बैठ के बात कर सकते। हाँ, गोडिया दे विच दर्द बहुत ज्यादा रहिंदा सी ते बह के मैं लैटरिंग नहीं जा सकता सीगा, इन्ना परेशान सीगा, कोई मोडिया पेड़ नूं फड़ के ते फिर लैटरिंग जाना पैंदा। अच्छा, मतलब आपके ये घुटनों में दर्द रहता था और घुटने जो थे वो यानी के इकट्ठे नहीं होते थे? इकट्ठे नहीं होते थे, जैसे ये मैं कर रहा हूँ ऐसे इकट्ठा एक साथ जुड़ ऐसे इकट्ठे, जैसे आपके अभी हो रहे हैं, जैसे अभी हो रहे हैं ऐसे नहीं इकट्ठे नहीं होते थे। तो कैसे रहते थे, थोड़े से दूर, ऐसे इतने दूर ही रहते, दूर रहते थे, एक साथ ही होते थे। फिर कार करके कुछ चिर खड़े रहते, फिर गां जाके फेरे में कर, ज्यादातर तक फिर दर्द करते सी, पूरा बह नहीं सकते सी। तो आपको लैट्रिन वगैरह जाने में, जैसे आप बता रहे हो टॉयलेट जाने में बहुत दिक्कत होती, तो मतलब जाने के बैठा नहीं जाता था? हाँ, बैठा नहीं जाता था, जैसे कोई पेड़ को पकड़ लिया या कोई और किले को पकड़ लिया। अच्छा, कोई पौधे को पकड़ लिया। अच्छा, तो उसी प्रकार से। अच्छा, जब आप टॉयलेट के लिए लैटरिंग के लिए जाते थे तो आगे किसी को पेड़ को पकड़कर ऐसे करके फिर वो आप लैटरिंग करते थे, यानी कि आप पूरी तरह से बैठ नहीं सकते? बैठ के नहीं कर सकते। अच्छा, थोड़ा सा आप ऊपर ही रहकर वो आपको वो करना पड़ता था, लैटरिंग वगैरह करनी पड़ती थी। तो फिर उसके लिए तो फिर आपको खेतों वगैरह में जाना पड़ता था? खेतों में जाते जी। अच्छा, खेत में जाते, और घर पर जाने की सुविधा तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो खेत में जाते थे, खेत में। अच्छा, तो ये तो बड़ी दुख वाली बात है, जैसे कि मतलब थोड़ा सा ऊपर होकर ही लाइटिंग वगैरह करनी, तो उससे तो पैर पूर भी लिबड़ जाते होंगे। पैर पूर भी लिबड़ जाते हैं जी, फिर क्या करें, फिर खेत में पानी होता है खुला, जैसे खाल में नहा लिया, हाथ पैर धो ले, वैसा ही करना पड़ता है। तो इतना बुरा हाल था, बुरा हाल था। और फिर उसके बाद, उसके बाद जब चर्च में आना शुरुआत किया। हाँ नहीं, इससे पहले मुझे ये बताओ भी, आपके जैसे आप पहले बता रहे थे भी आपके घरवाली को अधरंग हो गया था। हाँ, वो घरवाली को अधरंग हो गया था, घरवाली के अधरंग होने से वो ठीक हो गई है। नहीं, अधरंग हो गया था। अधरंग में कैसा हुआ था, क्या हुआ? अधरंग में उनके हाथ है, पैर है, वो रुक गए, जैसे वो खड़े होते तो वो गिर जाते थे। अच्छा, गिर जाते तो हमने सोचा भी ये तो मुश्किल है ठीक होने, तो मेरे जो बेटा था उसने फोन कर दिया फौजी भाई को। नहीं, उसमें आपके जो हैं उसके जो पांव थे, जहाँ टांगे जैसे कहते हैं, अधरंग में तो हाथ पांव रुक नहीं जाते, रुक जाते हैं, तो ऐसे रुक गए थे उनके? बिल्कुल। अच्छा, रुक गए थे। तो इनकी पत्नी के जो थे उन्हें भी, इनकी पत्नी को भी अधरंग हो गया था, और हाथ भी रुक गए थे, हाथ भी, दोनों के एक हाथ, दोनों हाथ रुक गए थे, और दोनों पांव जब उनको पकड़ कर खड़े होते, पकड़ कर खड़े करते तो खड़े हो जाते, जब छोड़ देते गिर जाते, बल नहीं था शरीर में, बल नहीं था। तो अधरंग के साथ ऐसा उसका हाल हो गया था, उनको बुखार हुआ था, और उसके बाद में बुखार हुआ था ना, बुखार के कारण उसके बाद ये बात हुई। तो ये ऐसा हालात था, और उसके बाद में जब उनकी ये दशा थी, तो फिर आपके लड़के ने फोन किया, हमारे जो चर्च के भाई हैं सावराम जी। ओके, सावराम। तो मैं आपको ये बताऊं कि फिर इन्होंने इनकी जब पत्नी बीमार थी, ये तो अपना जीवन ऐसे जी रहे थे सालों साल तक ही ऊपर ही ये करते रहते थे, मतलब दूसरी तरह से विचारों को, टॉयलेट जाना और बड़ी दिक्कत थी। लेकिन इनकी जब पत्नी बीमार हुई, तब इन्होंने क्या किया, उसको ले आए, ये इनके बेटे ने फोन किया, और हमारे चर्च के एक भाई हैं साबराम जी, और वो वहां पर गए। जब वो आपके घर गए, तो जब वो आपके घर गए तो उन्होंने प्रार्थना की आपकी पत्नी के लिए। उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने पहले मेरे को वचन बताया,
काफी वचन बताए। तो मैंने सोचा ये तो सब झगड़े हैं झूठ के, ये जो वचन है ये असलियत है बस। ठीक है, तो फिर उन्होंने प्रभु का वचन बताया और फिर आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना और आपकी पत्नी कितनी देर बाद ठीक होगी? वो आधा घंटा पौना घंटा बाद ठीक होगी। चाय दे दो और मैं नहाना है। अच्छा, और मेरे को खड़ा कर दो, दीदी को बोल दिया उसने, रानी को भी मुझे उठा दो। फिर जब उसको उठाया तो फिर धीरे धीरे चलने लगी बस एकदम ही, हाथ भी सही हो गए। सही, बिल्कुल। अच्छा, फिर आप जब आए चर्च में आए, तो चर्च में जब आए तो आप कब ठीक हुए? जब मैं जी उनके पहले तो आपने बताया ही नहीं था भी मेरी ये तकलीफ है। आपने सोचा चलो ऐसी, मैंने तो उनका ही सोच रखा था भी चलो ये रोटी पकाने वाली ठीक हो जाए तो बढ़िया है, और प्रभु का धन्यवाद करते रहेंगे। फिर मैंने सोचा भी यहाँ पर तो बड़े बड़े लोग ठीक हो रहे हैं, तू भी बताना, तेरे भी बड़ी परेशानी है। तो जब मैंने बताया तो मेरे लिए प्रार्थना की, तो प्रार्थना करते ही बिल्कुल कहा कि बैठ कर देखो, तो मैं बैठ कर देखा, इतने में मेरे तो बिल्कुल लातें मुड़ने लगी। उसी समय तो उसी समय तो परमेश्वर का धन्यवाद किया, प्रभु तू ही है जो वो ऐतवार का दिन था, उसका ऐतवार को जब ये चर्च में आए तो पहले तो इनको ये था कि मेरी घरवाली ठीक हो गई है, मेरी तो उम्र ऐसी निकलेगी, तो इतना मतलब मुझे तो बहुत लगता है दुख इस बात के लिए जैसे इनके हालात थे। तो जैसे ही ऐतवार को प्रार्थना की और हमने कहा कि आप चेक करो अपने और उठ बैठ के देखो, और उसी समय आप बैठे और उठे और बिल्कुल ऐसे जैसे आपके टांग बिल्कुल कठिया भी हो रही है, टांगे बिल्कुल मुड़ने लगी, बिल्कुल मुड़ने लगी। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे जैसे ये मुड़ रही है पूरी तरह से, जो ये पूरी तरह से मुड़ने लगी थी उसी समय, उसी समय प्रभु ने चंगा की दी आपको। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद प्रभु का। और मुझे जो कुछ करने वाला है प्रभु यीशु मसीह ही करने वाले हैं। तो एक बात मुझे और बताइए, आप जब प्रभु में नहीं थे तो क्या काम क्या करते थे? काम खेती का करते थे। खेती मतलब अपनी खेती थी किसी की सीरी लगते थे, या हिस्से में, दस में हिस्से में या चौथे हिस्से में, इसी प्रकार से टाइम पास करते। अच्छा, टाइम पास करते। उस समय इतना पैसा भी नहीं पैदा होता था और काम ज्यादा दिन रात ही करना पड़ता। गर्मी के महीने भी मैं 5 दिनों से 7 दिनों से नहाना पड़ता, इतना काम था। 60 बिघे बांध था मतलब 60 बिघे जमीन जो थी खेती तो आप वहाँ पर उनकी मजदूरी करते थे? मजदूरी नहीं, सीरी लगे थे, गुलाम लगे थे, अकेले को करना पड़ता सारा काम, अकेले करते थे। तो दिन में तो काम करते, रात को रुखवाली करनी पड़ती पशुओं की, जो सुनने पशु आ जाते थे। तो गर्मी में भी आप जैसे कह रहे नहाने तो उनका टाइम नहीं मिलता था, और पानी लगाते तो नहा लेते कभी पानी लगाते नहा लेते तो नहा लेते, ऐसा हालत था, बहुत ही गंदा हाल था ये। और आप बता रहे थे कि तूड़ी के ऊपर सो जाते थे, तूड़ी के ऊपर सोना पड़ जाता, देख लेते भी चार भाई इधर ले आएंगे, सुबह फिर भेजना पड़ेगा। छेप वगैरह कर रखी है, छह महीने कदे 3 महीने कदे 4 महीने। तो अब गरीबी थी, 3 दिन डब जाते हैं तो ये खारी छाने लग जाती है। देखो तो आपके पहले घर में मतलब गरीबी थी और बस आप सीरी का काम ही करते थे? सीरी का काम ही। अच्छा, तो आपके घर कैसा था, मकान कैसे थे पहले? मकान कच्चे थे जी, कच्चे मकान थे। मेरे ख्याल में मैं वहाँ उस कच्चे मकानों में गया हूँ जब आपके पहले पीछे वाले मकान जो थे वो कच्चे थे मकान। तो इनके मकान भी जो थे वो बिल्कुल कच्चे थे। और फिर अब जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए, अब मकान आपके पक्के हो गए हैं, और लड़के ने भी बना लिए दोनों ने। ठीक है, लड़कों ने बना लिया, मैं सिर्फ अभी आपकी बात कर रहा हूँ। तो आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी इन्होंने 2 दुकानें बना ली हैं, अपनी 2 दुकानें बनाई हैं, अपनी 2 दुकानें बना ली हैं, 2 कमरे बना लिए हैं, पक्के बना लिए हैं। यहाँ पर पहले कच्चा मकान था, और जैसे बता रहे थे कि गर्मियों में तो ये कई दिन तक मुझे कहना ठीक सा नहीं लग रहा है, लेकिन 10-15 दिन भी कई बार निकल जाते हैं नहाने में, क्योंकि सारा दिन काम में खेती में काम करते थे तो वहीं डुबकी लगा लेते थे खाले में, पानी जलते जलते में ही, और बैठ कर नींद आया कभी, बैठ कर नींद आ पाते थे।
तो फिर टॉयलेट वगैरह जाना, लैट्रिन वगैरह जाने के लिए भी वो बैठ नहीं सकते थे। काम भी, जो खेत का काम भी करते होंगे तो भी बैठना कितना मुश्किल होगा, अगर आप उसकी कटाई करते हो, क्या नाम उसका, गेहूं कठिन। की, गेहूं गेहूं। की कटाई तो करने का भी समय नहीं लगता था, हाँ बस वो मजदूरी से अच्छा, कटवाते मजदूरों थे। से कटवाते थे वो। हाँ हाँ तो लेकिन अगर करना पड़े कोई काम, ऐसा करना पड़े तो ये पाम काम नहीं करते थे तो दिक्कत थी। खड़े खड़े करना पड़ता, बड़ी दिक्कत थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको, आप पर दया की है, और आप आपका घर भी मकान भी पक्का बना दिया, हाँ सब कुछ। और अब तो आप दुकान ही चलाते हो, हाँ दुकान और वो चला। जो सीरी थे आप गुलामी थी वो गुलामी भी आपने हाँ सब सब गुलामी से दूर छोड़ दी कर है। और मुझे ये बताओ कि आपने फिर बपतिस्मा कब लिया था, कितने बत्तीसवां दिन के बाद लिया बत्तीसवां था, कितने दिन के बाद, दो ढाई महीने दो ढाई जैसे महीने के ही, बाद बपतिस्मा ले बाद लिया, में बत्तीसवां ले बपतिस्मा ले लिया। लिया आपने भी और आपकी पत्नी ने हाँ भी। तो हाँ फिर दोनों पवित्र आत्मा किसने पाया, दोनों ने, दोनों ने दोनों पवित्र ने पवित्र आत्मा आत्मा पाया। पाया। सो परमेश्वर के लोगों में आपसे ये कहता हूं कि इन्होंने फिर पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा भी पाया, पवित्र आत्मा भी पाया इन्होंने। और जब लोग आपका विरोध भी करते थे क्या, अभी विरोध आप बहुत से लोग करते हैं, अभी तक भी कई लोग करते अभी हैं, भी करते हैं, कहते हैं कि आप तो ईसाई बन गए, ठीक है भाई हम तो ईसाई है, ईसाई हमारे बन गए, पास मत आया करो, अच्छा आपको और कहते जब हैं जरूरत पड़ जाती है तो कहते हैं हमारे लिए कोई झाड़ा डालो। अरे अभी हम झाड़ा नहीं डालते किसी के, हम तो अच्छा प्रार्थना करने वाले अच्छा हैं। मतलब वो प्रार्थना नहीं समझते ना, वो कहते हैं झाड़ा डाल दो, झाड़ा डाल पहले दो। कहते थे ईसाई बन गए, अब जरूरत पड़ती है तो कहते झाड़ा ही डाल दो, मतलब प्रार्थना कर दो ताकि उनका काम हो जाए। हम उनको बोल देते हैं हम कौन है, परमेश्वर हमारे साथ है, वो सब अच्छा कुछ कर तो सकता है। आपके आपके रिश्तेदार भी कहते थे भी आपने हाँ ये रिश्तेदार भी, अभी तक क्यों, भी मेरा साला है छोटा, वो 3-4 दिन हो गए मेरी पत्नी के नहीं साथ कोई में बात नहीं, लड़ अपने पड़ा था। रिश्तेदारों का नाम नहीं लेना हाँ क्योंकि ये वीडियो को बहुत लोग देखते हैं। तो मतलब आपके रिश्तेदार भी जो थे वो भी विरोध करते थे हाँ वो भी, भी ये लड़ाई के, ये करते इन्होंने थे। धर्म बदल लिया, ये हाँ कर दिया, वो कर दिया, कितना कुछ बोल। अब अच्छा आपने भी धर्म वो बदल लिया क्या कौन सा धर्म बदल लिया जी, वो अच्छा जैसे एंट्रीटेटर है उसको DI कराते हैं तो पुर्जे बदलने पे पड़ते हैं, इसमें कौन सा पुर्जा बदला गया, अच्छा ये भी एक अंधविश्वास है लोगों को। तो धर्म नहीं बदला आपने, हाँ कोई जीवन, धर्म नहीं आपका बदला। जीवन बदला हाँ अपना जीवन बदला है ना, है, परमेश्वर ने आपको, परमेश्वर ने नवा जीवन दिया। आपको शांति दी, हाँ प्रभु शांति यीशु मसीह ने दी। आपके पाप क्षमा किए है हाँ ना। सब कुछ पहले मिला। पहले दिन ही आप जब हाँ आए थे तो यही प्रार्थना की थी कि हाँ प्रभु यीशु मसीह जी आए हाँ तक मैंने जितने पाप किए मुझे क्षमा करें, क्षमा पंजाबी करें। में तोबा कहते हैं, तोबा करना हाँ होता है। तो हाँ आपके प्रभु यीशु मसीह ने पाप क्षमा किए और आपने अनंत जीवन पाया, हाँ आपका आपका मेल परमेश्वर से हुआ, हाँ हम मेरा परमेश्वर से मेल हुआ, मेल हुआ मेरी परमेश्वर का, पत्नी का भी हुआ, आपकी पत्नी का तो नया परमेश्वर से मेल हुआ, जीवन, नवा जीवन मिला, नया जीवन मिला आपको। तो आज देखो कितना अच्छा मोल है, सारे परिवार में सब ठीक है, सब आप ठीक लोगों है। के लिए भी प्रार्थना कर देते हो लोगों के लिए प्रिया। प्रार्थना करते हैं जी, जिस गाड़ी के अंदर तेल मुक जाता है कहते हैं इसकी फिल्टर चोक हो गई, वो भी स्टार्ट होकर जाती है कहने से, अच्छा शायद कोई कोई बात वो नहीं। लोग भी अचंभा कर रहे हैं। अच्छा भी आप गांव में कोई ना कोई मतलब कह देते भी प्रार्थना कर दो हमारे लिए, हमारा काम ये रुका हुआ है, ऐसा करके आपसे प्रार्थना भी करवा लेते हैं, तो पर बहुत वो बढ़िया लोग है। जानते नहीं है, हाँ वो जानते नहीं वो इस चीज़ जानते नहीं है। तो परमेश्वर के लोगों में आपको, आपसे ये कहता हूँ कि प्रभु ने इनके जीवन में काम किया, अब लगातार चर्च में हमारे आते हैं ये, और गांव के लोग भी इनसे प्रार्थना वगैरह भी कराते हैं। हाँ रिश्तेदार विरोध करते थे, गांव के विरोध करते थे कुछ लोग, अभी भी करते हैं, और यही कहते हैं कि आपने ईसाई धर्म में चले गए ना, हाँ ईसाई धर्म में चले गए, ऐसी तो कोई बात किसी के कहने से क्या होता है सर, नहीं। मैं नहीं मानता कि तो कोई कुछ भी कहे। प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में आशीष की है। सो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, जल्दी ही मिलेंगे फिर एक नई चर्च की असलियत के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे।